हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। कक्षा इंटर फाइनल, सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस लेसन को पढ़ाने वाले हैं, लेसन का नाम है होम कमिंग, रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इस लेसन में ऐसे बालक की कहानी है जो उद्दंड स्वभाव का है और उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ है और उसका एक छोटा भाई है। तो जिस बालक की कहानी मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, वो बालक, उसका नाम है फटिक चक्रवर्ती। फटिक चक्रवर्ती और उसका छोटा भाई, उसका नाम है माखन चक्रवर्ती, और इन दोनों की माँ है और पिता का देहांत हो चुका है। इस बच्चे की कहानी कुछ इस प्रकार है। ये बालक फटिक जो बड़ा है उम्र में, वो शैतानियाँ क्या करता है, दुष्ट लड़कों के स्वभाव से बिगड़ चुका है, जिसके कारण उसका आइसोलेशन करना पड़ा, अलगाव करना पड़ा। इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के अनैतिक कार्य करने वाले बच्चों का रिंग लीडर था, सरदार था। ये न्यू मिसशीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई नई शैतानी उसके दिमाग में हमेशा आती रहती थी। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। नदी के किनारे एक बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था कीचड़ में, और उस लट्ठे से नाव के लिए मस्तूल बनाया जाना था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away। तो उसने निश्चय किया कि इस लकड़ी के लट्ठे को यहाँ से खिसका करके कहीं दूर कर दिया जाए। The owner of the log could be angry and surprised। और इस लट्ठे का मालिक जब आएगा, लकड़ी के इस टुकड़े का मालिक जब आएगा तो क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा, लट्ठा कहाँ गया। And they would all enjoy the fun। और इस तरह से सारे बच्चों को बड़ा आनंद आएगा, यानी उस लकड़ी का मालिक, लट्ठे का मालिक जब उसे खोजेगा, तलाश करेगा, दुखी होगा, नाराज होगा, आश्चर्यचकित होगा, तो बड़ा आनंद आएगा। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल। सभी बच्चों ने इस प्रपोजल को, इस प्रपोजल का समर्थन किया, यानी फटिक चक्रवर्ती की बातों को सभी बच्चों ने मान लिया। एंड इट वॉज कैरिड अनएनिमाउसली। और सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया कि हाँ, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, और जैसे ही खेल आरंभ होने वाला था, माखन फटिक यंगर ब्रदर सॉन्टर्ड अप एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड। तो जैसे ही ये खेल शुरू होने वाला था, माखन जो कि फटिक का छोटा भाई था, फटिक चक्रवर्ती का छोटा भाई था, वो घूमता हुआ आया और उस लट्ठे पर बैठ गया और एक भी शब्द नहीं बोला। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। एक क्षण के लिए सभी बच्चे परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज। उन बच्चों में से एक बच्चे ने उसको धक्का दिया,
लेकिन डरते हुए, तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने डरते हुए उसको धक्का दिया एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसने कहा कि यहाँ से खड़े हो जाओ, उस गड्ढे पर से खड़े हो जाओ। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वो लट्ठे पर बैठा रहा, ऐसा लगा कि जैसे वो सुन ही नहीं रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलॉसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, और वह ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलॉसफर माखन, एक छोटे दार्शनिक की तरह से ध्यानमग्न होकर के और उस खेल को निरर्थक समझते हुए वहां से हटा नहीं। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक चक्रवर्ती जो उसका बड़ा भाई था गुस्से में हो गया। माखन ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू, अगर तुम इस क्षण यहां से नहीं उठते हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबली पोजीशन, माखन थोड़ा सा हटा किंतु और आराम की पोजीशन में वो बैठ गया उस पर। नाउ ही फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, यदि लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने फटिक को अपनी शानदार प्रतिष्ठा दिखानी है, बचानी है, तो इट वॉज क्लियर, तो ये स्पष्ट था कि ही आर टू कैरी आउट ही थ्रेट, कि वो धमकियों का प्रयोग करे। बट हीज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस कठिनाई के समय उसका धैर्य समाप्त हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड, उसका तेज दिमाग तेजी से एक दूसरी बात को पकड़ लिया। अपॉन ए न्यू मैनूवर व्हिच वुड डिसकंफिट, अपॉन ए न्यू मैनूवर व्हिच वुड डिसकंफिट हिज ब्रदर एंड एफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट। तो उसको एक नई होशियारी आई और उसने अपने भाई को हटाना चाहा, अधीर करना चाहा, लेकिन वो नहीं हटा। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, तो उसने अपने अनुयायियों से एक नए आनंद की बात को साझा किया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, फटिक ने अपने मित्रों को आदेश दे दिया, यदि फटिक लट्ठे से नहीं हटता है, यदि माखन लट्ठे से नहीं हटता है तो माखन और लट्ठे दोनों को एक साथ पानी में ढकेल दिया जाना चाहिए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और उसने भी अपने सम्मान का सबक बना लिया और वो लट्ठे पर बैठा ही रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्ली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट, तो ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, इस घटना को उसने ध्यान से देखा। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्ली फेम, लेकिन उसने इस मैटर में अपना सम्मान समझा, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, लेकिन वो समझता था कि इसमें खतरा है। द बॉय बिगन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट 1, 2, 3 गो, एंड द वर्ड गो द लॉग वेंट, बच्चों ने ताकत के साथ 1, 2, 3 इस तरह से गिनती गिनना शुरू किया और लास्ट में उन्होंने कहा गो, और गो शब्द के कहते ही लट्ठे को उठाकर फेंक दिया।
एंड विथ इट वेंट माखन फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इस तरह से माखन की दार्शनिकता, उसका सम्मान, सब कुछ धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ हॉर्स विथ डिलाइट। सभी बच्चे बड़ी जोर के साथ प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे, चिल्लाए, खुशी में चिल्लाए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन इस समय फटिक थोड़ा सा भयभीत हो गया। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग एंड श्योर एनफ। निश्चित रूप से वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज हेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। माखन जमीन से उठा और बड़े गुस्से में था। ही रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। फटिक ही रश्ड एट फटिक। माखन फटिक की तरफ झपटा और फटिक के चेहरे पर उसने खरोंच मार दिया, उसे पीट दिया, पैरों से भी मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम। और इसके बाद रोता हुआ घर भी चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। इस तरह से ड्रामा का जो पहला अंक था वो समाप्त हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।